हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ग्रेड ऑफ ओपीसी एंड देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके ग्रेड क्या होते हैं और उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ये क्या होता है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में बताया था। तो आप उस टॉपिक से इस टॉपिक को कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक अलग है। ये पर्सनली केवल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के ग्रेड के बारे में बताया गया है इसमें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओपीसी का मतलब हुआ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और उसमें सब उसके ग्रेड, उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है ये मैंने पहले से लिख लिए हुए हैं। तो दोस्तों, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके तीन ग्रेड होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। तो दोस्तों, अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही सीमेंट के स्ट्रेंथ को डिनोट करता है कि मतलब हमारा जो सीमेंट है वो कितने स्ट्रेंथ का है, उसकी सामर्थ कितनी है, वो कितनी मजबूती आपके स्ट्रक्चर को देगा। तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी स्ट्रक्चर में 33 ग्रेड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो तीन दिन के बाद जब आप उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो वो 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। और अगर आप उसका 7 दिन के बाद जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करेंगे तो वो आपका 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। और जब 28 दिन के बाद जब आप उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो वो आपका 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। ये आपका 33 ग्रेड ऑफ ओपीसी सीमेंट के लिए है। अब आप मान लीजिए कि किसी कॉलम, बीम या फुटिंग में आप 43 ग्रेड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो जब आप 43 ग्रेड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करेंगे तो जब आप 3 दिन के बाद जब आप उसका कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो वह आपका 23 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। और जब आप उसका 7 दिन के बाद जब कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए वो 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। और जब आप 28 दिन के बाद जब आप उसका कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए वो 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। ये आपका हो गया 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए। अब दोस्तों, 53 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं। तो मान लिया कि आप किसी स्ट्रक्चर में 53 ग्रेड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो 53 ग्रेड का अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद जब आप उसका कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो 27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं आना चाहिए। और अगर आप वही कंप्रेशन टेस्ट अगर आप 7 दिन के बाद करते हैं तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। और अगर आप वही उसका कंप्रेशन टेस्ट 28 दिन के बाद अगर आप करते हैं तो आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास करके इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।